आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री। डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। सॉल्व हो गया ये इसका सेकंड आई सॉल्व हो गया किसका फोर्थ आंसर है सेकंड सॉल्व करूं या का हो गया ना सभी से सॉल्व हो गया नहीं प्लस ही आई क्या 1/z चलो आप बताओ कि सॉल्व करोगे तो क्या आएगा dx अपॉन y इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू dz अपॉन y जेड स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन को सॉल्व करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1 मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c1। अगर यहां पे पुट कर देता हूं तो dz अपॉन वाई जेड स्क्वायर e की पावर माइनस c1। मैं फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या होगा dx अपॉन वाई वाई से वाई कैंसिल और dz अपॉन जेड स्क्वायर इंटू e की पावर c1। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -1/z और टर्म्स को शिफ्ट करोगे तो +1/z e की पावर c1 और c1 की वैल्यू क्या आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c2। तो आंसर क्या आएगा सेकंड। अब बताओ कोई टफ क्वेश्चन है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के? सारे ही क्वेश्चन इतने इजी हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब देखो टाइप थर्ड में देखो dx अपॉन p dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। वी चूज मल्टीप्लायर्स stu सच दैट sp प्लस tq प्लस ur इक्वल टू 0। यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r इक्वल टू क्या मिलेगा sdx प्लस TdY प्लस UdZ अपॉन ये जो एक्सप्रेशन मिलेगी इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए 0। तो कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे और जितने भी एग्जाम के क्वेश्चन है वो या तो थर्ड फॉर्म से या फिर फोर्थ फॉर्म से रिलेट हो रहे हैं, ठीक है, समझ आया नहीं है? अब देखो यहां पे क्वेश्चन लिख रहा हूं इसी फॉर्म से रिलेट, नोट किया अभी मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। ये उन्होंने बनाया कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे जब ये किसी के इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो यहां पर हमने किसी फ्रैक्शन इसको कन्वर्ट किस फॉर्म में कर दिया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन में क्या गया जीरो। अब जीरो क्यों बना रहे, जिससे किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करेंगे तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो पार्ट जीरो हो जाएगा। और ये इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना। ये तो किसी में भी डिपेंड करता है, क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करेगा कहाँ पे पूछे, बी में या सी में। और अभी यहाँ से कोई क्वेश्चन रिलेट नहीं होगा, जनरली तो एक क्वेश्चन जैसे वो रिलेट हुआ वो पूछा गया, और एक सबसे लास्ट में कराऊंगा वो रिलेट हुआ। बाकी के क्वेश्चन तो इंटीग्रल सरफेस से रिलेट हुए, ठीक है। ये क्वेश्चन नोट किया। अब यहां पे देखो, x y माइनस जेड इंटू पी प्लस वाई जेड माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई, जेड एक्स माइनस वाई। तो सबसे पहला काम क्या होगा, लैग्रांज एक्सिलरी इक्वेशन डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड एक्स माइनस वाई। इस फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखो, अब तुम्हें एग्जाम में बैठ के ये तो नहीं मालूम कि कौन सी टाइप से रिलेट करोगे। अब फर्स्ट फॉर्म से सोचते हैं, मेरे पास फर्स्ट फॉर्म क्या है कि टेक एनी टू डिफरेंट पेयर ऑफ फ्रैक्शन, अगर मैं कोई भी दो फ्रैक्शन कंसिडर करता हूं, फर्स्ट और लास्ट, सॉरी फर्स्ट और सेकेंड, क्या टर्म्स वेरिएबल सेपरेबल हो पाएंगे? फर्स्ट और थर्ड कंसिडर करोगे और सेकंड और थर्ड तभी भी नहीं। अब जब मुझे कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो सेकंड में जो हमारे पास सेकंड टाइप है उसका यूज करोगे, उसके बारे में तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो सॉल्यूशन हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमें एक सॉल्यूशन मिल जाए, हमें एक सॉल्यूशन यू मिल जाए। अब वो सॉल्यूशन भी नहीं मिला तो हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं, थर्ड फॉर्म पे। अब थर्ड फॉर्म पे देखो हमें क्या फाइंड आउट करने है, एस टी यू, ऐसे मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट करने जिससे डिनोमिनेटर क्या कन्वर्ट हो जाए, जीरो। अगर मैं इसको तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, dx प्लस dy प्लस dz, तो अपॉन में जो ये टर्म्स है इनको ऐड करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जीरो। अब मैं इस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करूं, अगर मैं किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसे इंटीग्रेट करोगे तो यहां से एक सॉल्यूशन मिलेगा, y प्लस z इक्वल टू सी वन, वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। अब सेकेंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर मैं इस फ्रैक्शंस में फर्स्ट फ्रैक्शन को वन अपॉन एक्स, सेकेंड को वन अपॉन वाई और थर्ड को वन अपॉन जेड से डिवाइड कर दूं और ऐड कर दूं तो डिनोमिनेटर फिर से जीरो हो जाएगा। यहां पे देखो, अगर मैं वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड ये लिख देता हूं और अपॉन में क्या मिलेगा, जीरो। देखो, वन अपॉन एक्स को एक्स से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, यहां पे क्या बचेगा, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड प्लस यहां पे क्या बचेगा, जेड माइनस एक्स, और प्लस यहां पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। एक्स से एक्स कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल और वाई से वाई कैंसिल, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर मैं इस फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसिडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड, वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन वाई डी वाई प्लस वन अपॉन जेड डी जेड। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू, यानी कि लॉग एक्स वाई जेड इक्वल टू log c2, तो x y z इक्वल टू c2। अब मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन ये मिल गया, सेकंड सॉल्यूशन ये मिल गया। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS.
क्लिक ऑन द लिंक टू बाय नाउ। ये समझ आया नहीं है? अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आता, यहां पे ये क्वेश्चन होता कि जो हम मल्टीप्लायर्स एक्स एस टी यू फाइंड आउट कर रहे हैं, एस टी यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मैंने तो यहां पे वन और वन 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 लिया, कोई कोई और कुछ भी तो ले सकता, कोई और डिफरेंट मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट करें और यू फाइंड आउट कर ले, फिर कोई और डिफरेंट फ्रैक्शंस मतलब मल्टीप्लायर्स फाइंड आउट करे और कोई और सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ले, तो ऐसे तो डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो उस प्रॉब्लम को हमारी प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने की, वो है एग्जामिनर की, वो ऑप्शन क्या फ्रेम कर रहा। तो यानी कि हम किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? ऑप्शन की हेल्प से, कि ऑप्शन में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन जेड माइनस वाई, दी जनरल सॉल्यूशन ऑफ जेड माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। देखो मैं सॉल्व कर देता हूँ, dx अपॉन जेड माइनस वाई, डी वाई अपॉन एक्स माइनस जेड और डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स। अब देख लो ना कि अगर मैं इन किसी भी फ्रैक्शन को ऐसी सोचो कि ऐसा मत सोचो कि जैसे हम फर्स्ट थर्ड केस को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसे फर्स्ट केस से रिलेट करो। अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसिडर करता हूँ, फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसिडर करता हूँ, तो क्या सॉल्यूशन मिलेगा? टर्म्स जो है, जो वेरिएबल है, वो वेरिएबल सेपरेबल हो पाएंगे? यहां पर देख लो x माइनस जेड की टर्म आएगी और यहां पर जेड माइनस वाई की टर्म आएगी, ठीक है? वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं, जब फर्स्ट केस ही नहीं अप्लाई हो रहा, तो जब फर्स्ट सॉल्यूशन नहीं मिला तो सेकंड सॉल्यूशन का तो यूज नहीं करेंगे, तो थर्ड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? कि यहां पर अगर एड कर दो डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में क्या मिलेगा? जीरो। यानी कि डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो, एंड इंटीग्रेट करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी वन। और सेकंड सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर मैं x की मल्टीप्लिकेशन कर दूं x dx प्लस y dy प्लस z dz, तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा? जीरो। अब इसे सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर बाई टू प्लस y स्क्वायर बाई टू प्लस z स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू। एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वाई स्क्वायर बाई टू प्लस जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू। तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? फाइव एक्स प्लस वाई प्लस जेड कोमा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। तो यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इजी क्वेश्चन है या नहीं है? अब नेक्स्ट लिखो, हाँ तो कैसे कुछ भी ले सकते हो, जीरो डिनोमिनेटर ही तो जीरो करना। फाइंड जनरल सॉल्यूशन, देखो गेट में पूछा था फाइंड जनरल सॉल्यूशन एक्स वाई जेड, फर्स्ट रो में लिखा हुआ एक्स वाई जेड, सेकंड रो में अल्फा बीटा गामा और थर्ड रो में पी क्यू माइनस वन, पी क्यू माइनस वन इक्वल टू जीरो।
ये सॉल्व हो गया। देखो अगर सॉल्व करोगे तो यहां से पहले क्या फाइंड आउट करोगे, डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, उसे सॉल्व करोगे तो यहां से P इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई गामा माइनस जेड बीटा माइनस क्यू इक्वल टू एक्स गामा माइनस जेड एल्फा माइनस वन इक्वल टू एक्स बीटा माइनस वाई अल्फा इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। इसे कुछ ऐसा लिख सकते हो वाई गामा माइनस जेड बीटा इंटू पी प्लस जेड अल्फा माइनस एक्स गामा इंटू क्यू इक्वल टू एक्स बीटा माइनस वाई अल्फा, एक्स बीटा माइनस वाई अल्फा। तो यहां से फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर मिल गया, लैग्रांज एक्सेलरेशन लिख सकते हो, तो डी एक्स अपॉन वाई गामा माइनस जेड बीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एल्फा माइनस एक्स गामा और डी जेड अपॉन एक्स बीटा माइनस वाई। अब मैं मुझे क्या फाइंड आउट करना, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने, सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो तीनों इक्वेशन में अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में किस ऐड कर दूं तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा, नहीं। अगर मैं x की मल्टीप्लिकेशन कर दूं, यहां पर x की मल्टीप्लिकेशन, यहां पर y की मल्टीप्लिकेशन और यहां पर z की मल्टीप्लिकेशन, तो डिनोमिनेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। यानी कि x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन में क्या मिलेगा, जीरो। और इसको किसी भी फ्रैक्शन के साथ कंसीडर करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x dx प्लस y dy प्लस z dz इक्वल टू जीरो। सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी वन मुझे फर्स्ट सॉल्यूशन में। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना, सेकंड सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पर अल्फा, यहां पर बीटा और यहां पे गामा की मल्टीप्लिकेशन करूं तो फिर से डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। यानी कि अल्फा डी एक्स प्लस बीटा डी वाई प्लस गामा डी जेड अपॉन जीरो। तो यहां से सॉल्व करोगे अल्फा एक्स बीटा वाई। होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोस। वांट टू स्टडी विद दुबे सर लाइव? जॉइन आवर ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस फॉर सीएसआईआर नेट मैथ्स एंड जैम। विजिट आवर वेबसाइट और क्लिक ऑन द लिंक हाइलाइटेड टू नो मोर। प्लस गामा जेड इक्वल टू सी इक्वल टू सी टू। देखो इस सॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये जो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं इनकी प्रॉब्लम नहीं है, हम फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं। इस जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ ना, इसको फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम थी। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता और नई फ्रेमिंग होती है तो वो चीज समझ नहीं आती। ये तो हमें ऑप्शन से मिल जाएंगे ना, यहां पर सॉल्यूशन क्या गिवन है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना, ये कब मिल सकता है, जब अल्फा डीएक्स हो, बीटा डीवाई हो और गामा डीजेड हो, तभी तो ये सॉल्यूशन मिलेगा। और यहां पे ये सॉल्यूशन लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ऑप्शन में तो गिविन होंगे या नहीं होंगे, तो ऑप्शन में ये कब आ सकता है एक्स स्क्वायर, जब एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन होगा, एक्स इंटू डीएक्स वाई इंटू डीवाई और जेड इंटू डीजेड। जब एक्स इंटू डीएक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई स्क्वायर बाई टू और जेड स्क्वायर बाई टू आएगा या नहीं आएगा, समझ आ गया नहीं आ गया। यानी कि तुम किससे सॉल्व करोगे, हमेशा क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करोगे, ठीक है। अब
मेरी कौन सी टर्म, हमने लैग्रांजे मेथड के तीन केस डिस्कस किए, अब हमारे पास लास्ट केस बचा टाइप फोर। टाइप फोर लिखो, ये तो रब कर दो ना, अभी जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखूंगा जब बताऊंगा, अभी तो मैंने कुछ, अभी तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं। किसी भी ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव लिखा, किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिए, नहीं दिए ना, तो जब ऑप्शन लिखेंगे जब करें। हाँ, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर, विच इज मल्टीप्लाइड एस टी यू सो डेट एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू आर। यानी कि जो ये फॉर्म है ये किसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनना चाहिए, इसका, डिनोमिनेटर में जो भी टर्म्स लिखी हुई है उसका ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन में। यानी कि एस डी एच प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन अपॉन एस पी प्लस टी क्यू प्लस यू, ठीक है, ये समझ आया। अब एग्जाम्पल लिखो, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। वाई प्लस जेड पी प्लस जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लैग्रांजे ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स और डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। अब देखो फर्स्ट केस को तो देख सकते हो, फर्स्ट में कोई भी फ्रैक्शन कंसीडर करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब फर्स्ट अप्लाई नहीं कर सकते तो सेकंड की बात ही नहीं करेंगे, थर्ड का डिस्कशन करते हैं। थर्ड में देखो कि डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा, अभी तो थर्ड में भी जीरो नहीं होगा, चाहे कितने भी मल्टीप्लायर सर्च कर लो तो उससे कभी ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। अब फोर्थ की केस की बात करते हैं कि क्या बनना चाहिए, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूं तो यहां से क्या बनेगा, डी एक्स माइनस डी वाई, डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन वाई वाई माइनस एक्स। अगर सेकंड में से थर्ड को माइनस करते हैं तो डी वाई माइनस डी जेड अपॉन जेड माइनस एक्स, और फर्स्ट सॉरी जेड माइनस वाई, और अगर थर्ड लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड। अब मैं फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं, फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, अगर माइनस कॉमन ले लूं तो डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड। माइनस से माइनस कैंसिल, अगर मैं इसको एक्स माइनस वाई को टी मान लू तो ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसे y माइनस जेड को u मान लूं तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा, log x माइनस वाई, log x माइनस वाई इक्वल टू log y माइनस जेड प्लस log c। तो यहां से सॉल्यूशन मिला, log x माइनस वाई अपॉन y माइनस जेड इक्वल टू log c। यानी कि x माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू सी वन, वाई माइनस जेड इक्वल टू सी वन। ऐसे ही मैं सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर करता हूं, अगर सेकेंड और थर्ड को कंसीडर करोगे तो यहां से वाई माइनस डी वाई माइनस डी जेड माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू माइनस डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन अपॉन जेड माइनस एक्स।
माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहां से इसको t मानोगे तो फिर से डिफरेंशिएशन, u मानोगे फिर से डिफरेंशिएशन, तो डायरेक्ट लिख देता हूं log y माइनस जेड इक्वल टू log z माइनस एक्स प्लस log c2, प्लस log c2। अब इसे डायरेक्ट लिख दूं y माइनस जेड अपॉन z माइनस एक्स इक्वल टू c2। ऐसे ही अगर फर्स्ट और लास्ट को कंसीडर करोगे तो फिर एक और फ्रैक्शन मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एक सॉल्यूशन तो तुम फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन एक प्रॉब्लम आई, जो पेपर दिसंबर वाला पेपर है ना, जो अभी जून के पहले वाला जो दिसंबर वाला पेपर है, वहां पे सेम क्वेश्चन इसी टाइप का रिलेट हुआ, जो ये क्वेश्चन है इसी टाइप का, और वहां पे क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट, पहले ये नोट करो फिर मैं लिखता हूं। क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुक जाओ, सारे क्वेश्चन बोर्ड पे करा दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो भी कंसेप्ट पूछे गए वो सारे बोर्ड पर, जब तुम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर दूं तब बोलना कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था कि इससे टफ था, ठीक है? जब बोल सकते हो, अभी नहीं बोल सकते। गियर अप कर दूं, देखो उस क्वेश्चन में क्या चेंज किया, यहां पे अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन तीन फ्रैक्शन को ऐड करूं तो ये क्या मिलेगा, dx प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन में क्या आएगा, टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये भी तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, किसी के भी साथ कंसीडर कर लो, किसी के भी साथ कंसीडर करो तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, माइनस डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। ये भी इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस log x माइनस वाई इंटू टू कर सकता हूं, ये जो टू है इक्वल टू यहां पे लिख सकता हूं log x प्लस वाई प्लस जेड प्लस log c3, ये लिख सकता हूं। अगर मैं ये लिखता हूं तो अगर इस टर्म को शिफ्ट करता हूं तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी थ्री। माइनस है, माइनस को शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी थ्री। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, वहां पे जो क्वेश्चन था वो इसी टाइप का था, यू स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस यू, जो 15 के पेपर में 3 मार्क्स में क्वेश्चन है ना, तो उसे देखना, मतलब बाद में अभी क्लास में असाइनमेंट डिस्कस करूंगा तो जब बता दूंगा, अभी अगर तुम देख रहे हो पेपर तो वहां पे देख लेना, यू स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई इंटू यू, इस टाइप से कन्वर्ट हो रहा है वो। तो जैसे हम यहां पे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तीनों फ्रैक्शंस को ऐड कर रहे हैं, वहां पे हमें क्या करना, पहले दो फ्रैक्शन ऐड करने हैं और लास्ट फ्रैक्शन को क्या करना, माइनस, और एक फ्रैक्शन के साथ वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। समझ आया नहीं है, कर लोगे? बस वहां पे बैठ के समझ में आ जाए वो बड़ी बात, वो जो 3 घंटे हैं यहाँ पे तो कुछ भी कर सकते हो। आप CSIR NET या IIT JAM Math Batches ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें आप घर बैठे बैठे CSIR NET IIT JAM की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेट 40,000 प्लस क्वेश्चन बैंक ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया एब्सोल्युटली फ्री, डाउनलोड डिप्स अकेडमी मोबाइल ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर, सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल फॉर मोर लर्निंग वीडियोस एंड डिस्काउंट ऑन वीडियो कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
समझ आ गया कि x सॉल्व हो गया। देखो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि अगर लैग्रांजी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यही तो लिखोगे। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब यहां से बताओ कि अगर मैं कोई भी फ्रैक्शन कंसिडर करता हूं तो सॉल्यूशन मिलेगा। अब ऐसे क्यों सोचते हो कि हम एक फोर टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो फोर टाइप से रिलेट होगा, ऐसा सोचो ना। फर्स्ट केस से एक नया क्वेश्चन है और नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो कि फर्स्ट केस से रिलेट करें सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर फर्स्ट केस से रिलेट करता हूं तो सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल नहीं होंगे, तो सेकंड के बारे में तो सोच ही नहीं सकते हो। थर्ड के हम मेरे पास कि इसको किस में कन्वर्ट कर लें, जीरो में। क्या ये जीरो में कन्वर्ट हो रहा किस सॉल्यूशन बताओ? अगर मैं किसकी मल्टीप्लिकेशन करूं फर्स्ट में, वाई डी एक्स जेड डी वाई एक्स डी जेड अपॉन में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो। तो यहां से ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये क्या हो गया, देखो। हाँ, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड, शांत हो जाओ। देखो सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ के बोलना और अपना लॉजिक, लेकिन गलत लॉजिक ही देते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन गलत लॉजिक पे भले ठीक है उन्होंने दिया, तुम लोग अपने अंदर भी तो देखो कि तुमने तो वो गलत लॉजिक भी नहीं बोला, इसका मतलब तुमने तो वो ट्राई भी नहीं किया। देखो dx माइनस डी वाई माइनस करोगे तो यहां पे क्या मिलेगा, x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। तो यहां पे इसे सॉल्व करोगे तो यहां से x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लोगे तो यहां से मिलेगा x माइनस वाई, तो यहां से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या ये तो मैंने गलत किया, सही किया? अब सेकंड में से थर्ड को माइनस करोगे तो y माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड और लास्ट जेड एक्स माइनस डी जेड माइनस डी एक्स, तो जेड माइनस एक्स और एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहां से कोई भी फ्रैक्शन कंसीडर कर लो तो कंसीडर करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन ही तो कन्वर्ट होगा। डी एक्स माइनस डी वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन वाई माइनस जेड। तो यहां पे क्या कन्वर्ट हो गया, लॉग एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग ऑफ सी वन, तो एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड इक्वल टू सी वन, एक सॉल्यूशन मिला। अब मैं लास्ट और सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन को कंसीडर करता हूं तो यहां से क्या मिलेगा, डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां पे लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग जेड माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ सी टू, तो यहां से सॉल्यूशन मिलेगा लॉग वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू, तो वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू सी टू। लिखो फॉर एन आर्बिट्रेरी कंटिन्यूसली डिफरेंशियबल फंक्शन
फॉर एन आर्बिट्री कंटिन्यूसली डिफरेंशियल फंक्शन एफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ जेड पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई. सेकेंड एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स इंटू वाई. थर्ड ऑप्शन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ वाई माइनस एक्स. और फोर्थ ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. सिंगल करेक्ट नहीं है, मल्टी करेक्ट. देखो क्वेश्चन क्यों लिखा था. अब हमने सब कुछ पढ़ लिया. हमारे पास चार केसेस थे कि अगर लैग्रांज फर्स्ट ऑर्डर कॉसी मतलब फर्स्ट ऑर्डर कॉसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसके बारे में हम चार केसेस के अकॉर्डिंग सोच सकते हैं. यानी कि कोई भी फ्रैक्शन मतलब कोई भी दो फ्रैक्शन लें, सॉल्यूशन निकाल दें, फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और सेकंड सॉल्यूशन उस फर्स्ट सॉल्यूशन की हेल्प से सेकंड सॉल्यूशन फाइंड आउट करें और लास्ट कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए लास्ट और सबसे लास्ट में कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन मिल जाए. यही तो कर रहे हैं या नहीं कर रहे. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन रीड करो, क्वेश्चन सॉल्व मत करो. क्वेश्चन मतलब जब ऑप्शन रीड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक सॉल्यूशन हो सकता. एक्स वाई की टर्म आ रही है तो दूसरा सॉल्यूशन पॉसिबल है. थर्ड एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि थर्ड टर्म ये पॉसिबल है इक्वल टू सी थ्री, ये सॉल्यूशन मिल सकता. और एक लास्ट क्या है वाई माइनस जेड वाई माइनस एक्स तो ये सॉल्यूशन भी पॉसिबल हो सकता है. यानी कि जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ये चार केसेस हो सकते हैं जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना. हमें कैलकुलेशन किसके अकॉर्डिंग करनी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग. अब यहां पे सबसे पहले अगर लैग्रांज इक्वेशन डिफाइन करोगे dx अपॉन जेड एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस जेड वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा नहीं है. अब अगर मैं फर्स्ट टू फ्रैक्शन कंसीडर करता हूं तो जेड से जेड कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, यहां से क्या मिलेगा डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन वाई. इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग सी वन, यानी कि मैं लिख सकता हूं माइनस एक्स इंटू वाई लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सी वन, तो एक्स वाई इक्वल टू सी वन, एक्स वाई इक्वल टू सी वन. अब एक सॉल्यूशन ये तो मिल गया, अब सेकंड सॉल्यूशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कब मिल सकता है सॉल्यूशन, जब एक्स डीएक्स में एक्स की मल्टीप्लिकेशन, डीवाई में वाई की मल्टीप्लिकेशन और डी जेड में जेड की मल्टीप्लिकेशन. अगर मैं यहां पर एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई प्लस जेड डीजेड करता हूं, एक्स डीएक्स प्लस वाई डीवाई प्लस जेड डीजेड अपॉन जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा. यहां पर देख लो एक्स यहां पे क्या बनेगा जेड कॉमन आएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जेड की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, तो ये क्या हो गया जीरो। अगर इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे किसी के साथ तो हमें क्या मिलेगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू इक्वल टू सी टू, यानी कि सॉल्यूशन मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू। अब थर्ड कौन सा केस है कि मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ये कब बन सकता है, जब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जब डी एक्स प्लस डी वाई के साथ एक्स प्लस वाई की टर्म आ जाए और इंटू में क्या दे रखा, प्लस में क्या दे रखा, जेड स्क्वायर। अगर मैं इस फ्रैक्शन में यहां पर किसकी मल्टीप्लिकेशन करता हूं, एक्स डी एक्स में से डी एक्स प्लस डी वाई करता हूं, डी एक्स प्लस डी वाई करता हूं तो डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये बनेगा नहीं बनेगा, एक्स माइनस वाई। तो इस फ्रैक्शन को थर्ड फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करते हैं, यानी कि कुछ इस टाइप की फॉर्म बनेगी, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन जेड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई, डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूं तो इस टर्म से ये टर्म्स कैंसिल आउट, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पे क्या बचेगा, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन जेड माइनस डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो यहां से एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू माइनस जेड डी जेड। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस सी थ्री। तो सॉल्यूशन मिला एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी थ्री, यानी कि थर्ड सॉल्यूशन मिल गया। ये फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकंड सॉल्यूशन, ये थर्ड सॉल्यूशन। अब ये देखो क्या ये सॉल्यूशन मिलेगा वाई माइनस एक्स, किसी भी केस में सॉल्व कर लो, ये कब मिल सकता है, जब डी वाई माइनस डी एक्स करें, डी वाई माइनस डी एक्स करें, डिनोमीटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो ऐसा तो सॉल्यूशन, ऐसा तो कोई फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा ना। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, अगर मैं फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इनका कॉम्बिनेशन ही तो सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, यानी कि फर्स्ट सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स वाई। अगर मैं इन दोनों कंसीडर करता हूं ये मिलेगा, फर्स्ट और लास्ट को सॉल्व करोगे तो सेकंड मिलेगा, और सेकंड और थर्ड को सॉल्व करोगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, फोर्थ, यही तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब थोड़ी देर पहले आप कौन बोल रहा था, ऑप्शन से, फंक्शन आर्बिट्री फंक्शन से। अब देखो अगर तुम्हें ठीक है, ये हमने लैग्रांज मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, ये एक वे था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम आर्बिट्री फंक्शन को एलिमिनेट करें, आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करें, तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बननी चाहिए, कर सकते या नहीं कर सकते। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई करोगे तो हमें ये फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। जब इस आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करोगे तो ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, सॉल्व कर सकते हो। अब फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, फिर थर्ड का डिफरेंशिएशन करो, और फिर फोर्थ का डिफरेंशिएशन करो, एक ये भी वे है, आप दोनों वे से सॉल्व कर सकते हो, एक तो प्रॉपर मेथड से, जो मेरे पास ये मेथड है जिससे हम सॉल्व कर रहे हैं, एक्स वाई इक्वल टू सी वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी टू, ये तो लाइन, मतलब हमने प्रॉपर जो हमारे फोर केसेज हैं उनसे हमने सॉल्व किया। अब सेकंड अप्रोच ये भी है कि अगर ये सॉल्यूशन गिविन है, सॉल्यूशन गिविन है, तो आर्बिट्री फंक्शंस को एलिमिनेट करो और देखो कि आर्बिट्री फंक्शंस को किस केस में एलिमिनेट करने के बाद में ये इक्वेशन मिल गया। फर्स्ट केस को पार्शियल डेरिवेटिव करो तो 2x प्लस 2z इनटू p इक्वल टू f डैश। चलो फर्स्ट केस सॉल्व कर लेता हूं, बाकी केस तुम सॉल्व कर देना, कर लेना, मतलब x पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x करोगे तो 2x प्लस 2z इनटू क्या मिलेगा, इनटू मिलेगा p इक्वल टू f डैश एक्स वाई इनटू y। अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू किसके करोगे, y के, तो यहां से क्या मिलेगा 2y प्लस
टू जेड क्यू इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई इंटू क्या मिलेगा एक्स। अगर मैं इस इक्वेशन में एक्स की मल्टीप्लिकेशन करूं और इस इक्वेशन में वाई की मल्टीप्लिकेशन करूं तो यहां से क्या मिलेगा एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू जेड पी एक्स और माइनस टू वाई स्क्वायर माइनस टू जेड पी क्यू वाई क्यू वाई क्यू इक्वल टू जीरो। तो यहां से ये टर्म्स कॉमन एक साइड रख दो बाकी टर्म शिफ्ट कर दो तो टू कॉमन आ जाएगा टू जेड कॉमन आ जाएगा तो यहां से क्या बचेगा पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू से टू कैंसिल तो जेड इक्वल टू क्या बना जेड इक्वल जेड इंटू पी एक्स माइनस क्यू वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम किसी भी वे से सॉल्व कर सकते हो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये फर्स्ट प्रीफरेंस अगर मैं एग्जाम में होता तो इसी कैलकुलेशन से करता जो ऑप्शन की भी नहीं मैं ये सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करता क्योंकि ऐसा हो भी सकता कि मैं मल्टीप्लायर्स के बारे में सोच सकता ठीक है वहां पे इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इतनी कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है सारे ऑप्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई कर दो सॉल्व कर लोगे यानी कि किसी ना किसी वे से तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो यानी कि अब हम जो डिस्कशन कर रहे थे लैग्रांजे मेथड से फर्स्ट ऑर्डर कॉची लीनियर प्रॉब्लम का डिस्कशन कर रहे हैं और वो क्या फाइंड आउट कर रहे हैं जनरल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन जब भी फाइंड आउट करोगे उसके कितने केसेस बनेंगे फोर केसेस बनेंगे ठीक है। अब यहां से सेकंड टॉपिक रिलेट होता इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू गिवन कर्व ठीक है। अब ये टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें कम से कम 20 या 25 मिनट तो लग ही जाते हैं। होप यू आर लाइकिंग दीज लर्निंग वीडियोस। Want to study with Dubey live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more.